प्रतिभाओं के सम्मान से ही सशक्त होगा राष्ट्रीय प्रतिभा प्रकृति का नौसर्गिक उपहार है, जिसके अंकुरित पल्लवित और पुष्पित करने का गुरुतर दायित्व शिक्षकों का है। इन प्रतिभाओं के सम्मान से ही सशक्त राष्ट्र की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। रविवार को बलिया जिला के रसा क्षेत्र के सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल रसा में आयोजित कार्यक्रम को बतौर संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने उपयुक्त बातें कही। इसके पूर्व उन्होंने प्रबंधक अखिलेश सिंह, प्रधानाचार्य चंद्रानी बनर्जी आदि के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बच्चों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह में उपस्थित लोगों में समा बांध दिया। विशिष्ट अतिथि जिला अधिकारी बलिया रविंद्र कुमार ने कहा कि प्रतिभाओं के सम्मान से एक तरफ जहां हम उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह सम्मान अन्य को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हमारे साथ जो है परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जो है माननीय दयाशंकर सिंह है। बलिया की आन बान और शान, इस समय नगर निकाय के चुनाव में जो है बलिया में कमल खिलाने वाले एकलौते मंत्री है जो दयाशंकर सिंह। आइए एक निजी कार्यक्रम में आए हुए सेठ एम आर जयपुरी है, जो महानगरों में तो स्कूल देखने को मिलता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल देखने बच्चों को आज बड़ा दिए हौसला अफजाई की। आइए माननीय मंत्री जी क्या कहते हैं सब सुनो। सबसे पहले बच्चों का पुरस्कार का बहुत ही ग्रामीण अंचल में ये विद्यालय खुला हुआ है और यहाँ के बच्चे इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के प्रबंध तंत्र को इसके लिए बधाई देता हूँ कि इधर सुदूर ग्रामीण अंचल में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना अपने बलिया के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये विद्यालय पहले महानगरों में ही खुला करता था, आज ये ग्रामीण अंचल में यहाँ के भी छात्रों को इसका अवसर मिल रहा है। इसलिए यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ करके निकलेंगे तो अपने ज़िले का मान सम्मान बढ़ेगा, यहाँ के विकास में बच्चों का योगदान होगा। और मैं देख रहा था जितने कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ, क्योंकि हम लोग राजधानी के भी विद्यालयों में जाते हैं, यहाँ भी मैंने देखा बच्चों में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अच्छा कार्यक्रम कर रहे थे, तो ये मैं बधाई देता हूँ यहाँ के। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पर पानी की तरह से पैसा पा रहे हैं लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी सुन नहीं रहे, लेकिन बलिया के आप तो मंत्री भी हैं और बलिया से बड़ा आपका लगाव भी है, हालांकि रसुला क्षेत्र के 75 गांवों से आपके काफ़ी जानने वाले हैं, चाहे वो जाम हो, चाहे नवादा हो, चाहे बतनई हो, चाहे टीका नकपुर हो, सारे लोग आपको बड़ा मानते हैं, बड़े आपसे आशा करते हैं, तो ऐसे में रसुला को भी कुछ उम्मीदें हैं कुछ, क्योंकि रसुला से जो है बनारसी के लिए बस कभी नहीं मिला, हालांकि 1,70,00,000 रुपया डिपो पर खर्चा तो हो गया लेकिन डिपो भी नहीं मिला, हालांकि पिछले दिनों आप आए थे कहे थे कुछ करूँगा लेकिन उस पहल में कुछ हुआ नहीं मंत्री जी। तो ये आप सही कह रहे हैं, रसड़ा के जो अपने हमारे डिपो है, आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस डिपो को हवाई अड्डा की तरह बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, तो बलिया का हमारा जो बस अड्डा बन रहा है अभी 49 करोड़ रुपया मैंने उस पर स्वीकृत किया है, और सेकेंड फेज में रसड़ा और बेलथरा को भी ले रहा हूँ, और दोनों को मैं बहुत अच्छा जाऊँ वहाँ पर, मैं मॉल भी, होटल भी, और वह मैंने अच्छे लाउंज जो हमारे महिलाओं के लिए बैठने के लिए, अच्छे शौचालय, ये सब हम इसको प्लान किया हूँ। जब मैं उस विद्यालय में आया था भगत सिंह इंटर कॉलेज में, उस समय मैं कह के गया था उसका पूरा एस्टिमेट बन रहा है जी, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये दोनों बस डिपो को आपके इसको मैं आपके रसड़ा जो बस डिपो है इसको जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर बना रहा हूँ, और बेलथरा को चंद्रशेखर जी के नाम पर बना रहा हूँ। बलिया में 49 करोड़ रुपया आ चुका है, यहाँ भी इसको मैं एक अच्छा जिसमें रात में किसी को ज़रूरत पड़े तो रुक भी सके वहाँ पे, इस तरह के उसमें होटल्स भी हों, वहाँ हमारे पास जगह है, उसको एक मॉल के रूप में भी उसको विकसित करेंगे, एक अच्छा लाउंज जिसे एयरपोर्ट पर होता है तो कोई हमारी महिलाएं हैं उनके लिए अलग व्यवस्था हो, अच्छे शौचालय हो, इस तरह की मैं उसको वो करता हूँ, और मार्केट एक मार्केट भी बनाऊंगा कि लोगों की उससे आय भी हमारे उसके बढ़ेगा, और अभी तक केवल ये बस स्टैंड है डिपो नहीं है, तो उसके लिए भी हमने लिख के दिया कि वो वर्कशॉप भी साथ साथ रहे, यहाँ बसें खड़ी रहें, अभी क्या है कि बस आती है और चली जाती है, तो मैं यहाँ पर 15-20-25 बसें यहाँ से बनारस के लिए, लखनऊ के लिए या अयोध्या के लिए मैं यहाँ से संचालित करता हूँ। देखा जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस के बाद जो है 19 को नोटबंदी हो गया, ऐसे में देखा जाए आम आदमी के पास 2000 की गुलाबी नोटों की दिखती नहीं है, जब भी दिखती है मंत्री विधायकों के पास ही देखती है, ऐसे में जो 2000 के नोट
बंद हो गई है, इसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरबीआई को सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ होगा कि ये पैसा बैंक में रह करके उस जो जमाखोरों के पास है जो देश के लिए खतरा पैदा कर रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा जो लोग रखे होंगे, जो डंप करके रखे होंगे, उनको तो इसका जवाब देना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आए। लेकिन एक सामान्य आदमी 20,000 रुपया तक कभी भी, वो 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, बदल सकता है, चलन में रहेगा, हो सकता पड़ेगी तो आगे भी उसका समय सीमा बढ़ाई जाएगी। लेकिन जो जमाखोर लोग हैं जो ऐसे पैसों को गलत इस्तेमाल करते हैं, उन पर कार्रवाई हो। चलिए, जुड़ने के लिए बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ बलिया के जिलाधिकारी जो है श्री रविंद्र कुमार जी हैं, और बच्चों को काफी जो ऊर्जा दी है, इसी संबंध में आज देखिए बलिया जिलाधिकारी क्या बोलते हैं बच्चों के सम्मान में। सर, आज बच्चों के सम्मान में क्या शब्द बोलेंगे आज? देखिए, आज ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम था और निश्चित रूप से इन प्रोग्राम में जाना बहुत ही सुगत क्षण होता है। आज बच्चों को बताया गया कि बच्चे हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, बड़े सपने देखें और उसी हिसाब से कड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इस स्कूल के बच्चे काफ़ी होनहार हैं और निश्चित रूप से आगे चलकर बहुत अच्छी जगह जाएंगे, अपना, अपने परिवार का और अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।